कराएंगे, फिर आपको जब 60 साल के हो जाएंगे वो पेंशन मिलेगी। अगर खुदा ना खास आपकी मृत्यु हो जाए तो आपकी आधी पेंशन आपके परिवार को लग जाएगी, जहाँ उसमें से जितना पैसा आपने जमा कराया वो परिवार को भी ध्यान आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक और पेंशन है श्रम को भी, जो 3000 पेंशन सबको मिलेगी, लेकिन सबसे कम पैसे जमा कराने पड़ते हैं एक महीने में। जो मान लो 40 साल का है तो 200 रुपया 200 ही सरकार डालेगी, ठीक है कि नहीं। तो जब 60 साल का होगा तो 3000 पेंशन मिलेगी, जिसकी 15000 से प्रति महीना आमदन कम है वो उसका पंजीकरण कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों के लिए मैं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि गरीब जो लोग हैं, बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं होता है, उस समय में ये जो पैसा है आपको आपके बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। अगर आप 30 साल के हैं, मान लो आपकी उम्र 30 साल है, सुन लीजिए, हाँ सब लिखा हुआ। अगर मान लो 30 साल के सब तो लोग, अगर पूछिए पूछिए, बैंक में जाएंगे जो भी जिसने आपका खाता है, जिस भी बैंक में आपका खाता, उसी बैंक में जाकर आपका ये तीनों योजनाएं हैं मिलेगी, चाहे वो सुरक्षा बीमा है, चाहे वो जीवन योजना, चाहे। लेकिन ये जो श्रम योगी वाली है, सुन लीजिए ध्यान से, जो श्रम योगी जिसमें 3000 पेंशन वाली है वो ई मित्र में मिलेगी, जो वो आपको कार्ड भी बना के देगा। वो कार्ड में वो पेंशन का नाम होगा आपका, जितना मान लो आप 30 साल के तो 100 रुपया प्रति महीना जमा कराना, 30 साल के आदमी को 100 रुपया, अगर वो 35 साल का होगा 110 रुपया, 35 साल का होगा 120 रुपया, 33 साल का होगा 130 रुपया, 10-10 रुपये बढ़ेंगे। जो अगर 35 साल का होगा तो 150, अगर वो 36 साल का 160 रुपया, अगर वो 37 का हो गया तो 170, अगर 38 का हो गया वो 180, अगर 39 का हो गया 190, अगर 40 का हो गया तो 200। इससे ऊपर वाले की ये पंजीकृत नहीं होती है। अगर आपने वो पंजीकृत करा लिया, जिसकी उम्र के हिसाब से जितना पैसा आपका बनेगा, 60 साल तक वो जमा कराते रहे, जब 60 साल के हो गए तो 3000 पेंशन आपके जीवन के निर्वाह के लिए मिलती है, क्योंकि दुनिया में और कोई पेंशन है ही नहीं। अब यहाँ कल बुढ़ापा भी आएगा, है ना, जिम्मेदारी बढ़ेगी, बीमारी भी आएगी, आदमी आबाद होगा। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है इस पेंशन में, सुन लीजिए, अगर मृत्यु हो जाती है तो आपकी पेंशन आपकी पत्नी को मिल जाएगी। इतना पैसा जिस बैंक में आपका खाता है भैया, इतने इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ, जिस बैंक में आपका खाता है, अगर आपको मेरा मोबाइल नंबर है, नाम मिलाइए, उसमें मेरा मोबाइल नंबर है, नाम लिखा हुआ, ये दफ्तर का नंबर है, अगर दफ्तर का नाम कहाँ जाना है सब हमें पता नहीं चल रहा है ना, तो हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद आपका, खुश रहें, प्यार से हम आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं। मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, पूरे राजस्थान का अधिकारी हूँ, नहीं तो कोई आता नहीं, कहाँ चलता है, नगर करने हम जाते हैं कि गरीब लोग और उसके काम करें, लाभ ले उनका, नहीं तो भाई 20 रुपया क्या होता है, 20 रुपये का बीमा, अरे साल में किसी भी बैंक में जहाँ आपका खाता है उसको बोलो 20 रुपये का बीमा कर, एक्सीडेंट हो गया मर गए तो 2 लाख रुपया मिलेगा, एक 436 रुपये साल का बीमा है, उसमें जीवन ज्योति बीमा योजना, अगर उसमें मृत्यु हो जाए, सोते हुए रह जाए, अटैक हो जाए, बीमारी के कारण मर जाए, या दुर्घटना के कारण मर जाए, एक साल का 436 रुपये, और ये पेंशन योजना होगी, अटल पेंशन योजना होगी, 1000 से 5000, पैन कार्ड बनाना पड़ेगा आपके हिसाब से, उम्र के हिसाब से, अच्छा यही काम देगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपको 4 साल में पेंशन चाहिए या 3 या 4 या 5 या 6 या 7, लेकिन 60 साल धन्यवाद आपका, इन चीजों को आप समझिए।